अंतरिक्ष क्षमता में लगातार इजाफा कर रहा भारत एक और उपलब्धि हासिल करने के करीब आ गया है। देखो, हाल ही में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इसरो जल्द ही चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाला है, जिसकी लॉन्चिंग डेट जुलाई 12 से 19 के बीच तय की गई है। खबर आ रही है चंद्रयान 3 से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। 12 से 19 जुलाई के बीच लॉन्च होगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर इसरो का बयान आ गया है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 13 जुलाई को होगी, ये कहा इसरो ने। 22 जुलाई 2019 के दिन लॉन्च हुए चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर क्रैश हो गया था। विक्रम लैंडर का चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर ऊपर से पृथ्वी से संपर्क टूट जाना, ये पल वाकई हम भारतीय के लिए एक इमोशनल पल था। पर अब वापस नारियल फोड़ने का टाइम आ गया है। देखो, दरअसल चंद्रयान 2 का सीक्वेंस चंद्रयान 3 अब वापस चांद पर जाने वाला है। पर आपको एक सवाल नहीं आता कि ये वाकई चंद्रयान 2 से अलग होगा या फिर चंद्रयान 2 जैसा होगा? तो डेफिनेटली ये चंद्रयान 2 से अलग होगा। इस बार इसे चंद्रयान 2 के मुकाबले और ज्यादा एडवांस बनाया गया है, और इस बार चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल को भेजा जाएगा, जो कि लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचाएगा, और जरूरत पड़ने पर यह कम्युनिकेशन के लिए भी उपयोगी हो सकता है। और वैसे भी हम भारतीयों को तो आदत ही है, अगर एक जगह रिजेक्ट हो जाता है तो दूसरी बार वहां मुंह तो मारते ही है। तो खैर, ये मजाक था। पर इसरो वापस उसी जगह लैंडर को लैंड कराने वाला है जिस जगह विक्रम लैंडर लैंड होने वाला था, पर अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गया। और ये जगह है चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव। भारत का ये तीसरा चंद्र अभियान है, और इस बार भारत का उद्देश्य है लैंडर की सफलतापूर्वक सुनियोजित लैंडिंग और अपने रोवर की क्षमता प्रदर्शित करना। देखो, ऐसा नहीं है कि इसरो सिर्फ चंद्रयान 3 को लॉन्च करके दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि भारत भी ये कर सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि पहले नंबर पर है स्पेस रेस। वैसे आपने स्पेस रेस के बारे में तो सुना ही होगा। यूएसए और रूस के बीच 1957 से 1975 के बीच जब हर मिशन में रूस आगे था, फिर वो सबसे पहले मनुष्यों को स्पेस में पहुँचाना हो, जानवर को स्पेस में पहुँचाना हो, या फिर मून पर सबसे पहले मिशन भेजना हो, हर एक चीज में रूस आगे चल रहा था। इधर यूएसए को भी कुछ ऐसा करना था जिसकी वजह से वो दुनिया की नज़र में आ जाए, और ऐसा ही किया। जुलाई 20, 1969 को अमेरिका ने अपने इंसानों को ही चांद पर भेज दिया, जिनमें नील आर्मस्ट्रांग और लूनर मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर उतरे थे, और कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस स्पेसक्राफ्ट के कमांड मॉड्यूल में चक्कर काट रहे थे। अमेरिका के इस मिशन के बाद रूस इसे फेक लैंडिंग बताता रहा, पर कभी साबित नहीं कर सका। और एक बार फिर ये रेस शुरू हो चुकी है, पर इस बार ये स्पर्धा भारत और चीन के बीच में है। वैसे भारत दूसरे देश की सैटेलाइट लॉन्च करने में तो चीन से बहुत आगे निकल गया है, पर हाल ही में चाइना ने एक और लक्ष्य रखा है। चाइना 2030 तक इंसानों को चंद्रमा तक पहुंचाना चाहता है। देखो, ऐसा नहीं है चाइना ने ये ऐसे ही घोषणा कर दी है, ये घोषणा उसने नासा के अनाउंसमेंट के बाद की है। नासा एक बार फिर इंसानों को चांद पर भेजने का प्लान बना रहा है। वेल, ऐसा नहीं है सब कुछ प्लान चाइना की है, भारत के भी कुछ प्लान है। फिलहाल भारत का प्लान चंद्रयान 3, गगनयान, आदित्य 11 और भारत का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है 2030 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करना। वैसे स्पेस स्टेशन लॉन्च करना ये बहुत बड़ी बात है, और ये भारत अकेला अपने खुद के दम पर बनाएगा, तो अपने इसरो के साइंटिस्ट के लिए एक लाइक तो बनता है यार। नंबर 2, साइंटिफिक स्टडी। देखो, चंद्रमा पर पानी की खोज भारत के चंद्रयान 1 ने ही की थी, और भारत का दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर को लैंड कराने का उद्देश्य भी एक यही है, यहाँ पानी मौजूद हो सकता है। तीसरा रीजन है जियोपॉलिटिक्स। वैसे पाकिस्तान आए दिन इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ भोगता रहता है। बात कश्मीर तक तो ठीक थी, ये तो उनकी आदत है, पर इन फवाद फुद्दी साहब ने इसरो के चंद्रयान 2 पर क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं यार, आप भी जरा देखो। मशवरा है बगैर सोचे समझे चंद्रयान जैसे मिशन बनाने का, अभिनंदन जैसे को लाइन ऑफ कंट्रोल पार, चाय पीने भेजने से ऐसे मंसूबे पर पैसा लुटाने की बजाय अपने लोगों को गुर्बत से बाहर निकालने पर पैसा लगाए। देखो, ये भारत के बारे में इतने स्टेटमेंट दे सकते हैं तो इसरो का भी थोड़ा हक बनता है ना जवाब देने का। वैसे मैं तो कहता हूँ इसरो को उनके घर मिठाई भिजवानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादा इन्फ्लेशन रेट होने की वजह से शायद उन्होंने लंबे समय से मिठाई खाई ना हो तो। और अभी कुछ दिन पहले फुटबॉल में सुनील छेत्री साहब ने क्या पाकिस्तान की बजाई थी यार, मैच देखने लायक। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए। मगर क्यों यार, ये जानने का तो हक बनता है यार, तो कमेंट में लिखना ना भूलिए। जय हिंद।